जो हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम है, हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है, वह हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए महामती जी के धाम हृदय से हमें संबोधित कर रहा है अपनी इस श्रृंगार की वाणी में। तो अर्ज किया दिल मोविन जो इन दिल में हक बैठक। एक हीरे का टुकड़ा जो कीचड़ में सना हुआ हो, मिट्टी से ढका हुआ हो, वह स्वयं अपनी गरिमा को नहीं जानता है। हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस पंचभूतात्मक जगत के मायावी खेल को देख रही है। जब तक उसको बोध न हो कि मेरा निज स्वरूप क्या है, तब तक उसको यह भी पता नहीं चल सकता कि उसकी वास्तविक गरिमा क्या है। जैसे कीचड़ से ढका हुआ हीरा यदि बाजार में बेचने के लिए लिया जाए तो उसका मूल्य कौड़ी के बराबर होता है। जौहरी उसको देखना भी नहीं चाहेगा क्योंकि जौहरी की नज़र तो कीचड़ के ढेर पर पड़ेगी। वैसे ही जब तक हमारी दृष्टि अपने शरीर पर है, अपने अंतःकरण और इंद्रियों पर है, क्योंकि इन इंद्रियों की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया, इनसे क्यों देखूँ मैं साहब, यही भाई आड़ी माया। हमारी पांचों इंद्रियां पांचों विषयों का भोग कर रही होती हैं और जब हम उसका चिंतन करते हैं तो लगता है कि हम कितने पापी हैं। इसी पाप और पुण्य की परिधि में जीव फंसा रहता है। पाप से परे होकर वह पुण्य की तरफ जाना चाहता है, लेकिन निज स्वरूप का बोध न होने से वो इस भूल भुलैया में इतना फंस जाता है कि कर्म फल के भोग के दलदल से निकलना उसके लिए संभव नहीं होता। प्राणनाथ जी की वाणी हमारे लिए एक सरल रास्ता लेकर के आई है कि अपने स्वरूप का बोध कीजिए। तो अर्ज किया दिल मोमिन जो इन दिल में हक बैठक। हमारे दिल को अर्ज क्यों कहा है, क्योंकि हमें तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है। सारा संसार भी उस परमात्मा को पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। सारा संसार अंधकार में भटक रहा है, कोई साकार में भटक रहा है, कोई निराकार में भटक रहा है। साकार और निराकार से परे बेहद, उसके परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का स्पष्ट ज्ञान जब संसार में था ही नहीं, तो कैसे अपने धाम हृदय में कोई भी अक्षरातीत को बसा कर अपने दिल को धाम की शोभा बनाने का गौरव प्राप्त कर सकता था। वाणी कहती है अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो आराम। संसार में तो केवल निराकार की बात चलती थी, साकार की बात चलती थी। संसार ने तो तारतम्य ज्ञान के अभाव में महापुरुषों को ही परमात्मा माना। भगवान जो छह विशिष्ट गुणों से संपन्न व्यक्तित्व होता है, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शक्ति, इन छह गुणों से युक्त कोई भी व्यक्तित्व भगवान कहला सकता है, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा तो एक ही है। महामती जी की वाणी सारे संशयों से परी हटाकर सारे विश्व के लिए यह संदेश दे रही है कि जिसने तारतम वाणी के प्रकाश में अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त किया, वह यहीं बैठे बैठे समस्त परम धाम को देख सकता है। उस परम धाम में विराजमान अक्षरातीत युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देख सकता है और अनंत प्रेम तथा आनंद के सागर में डूब सकता है। एक सबसे बड़ी बात कि संसार परमात्मा की केवल महिमा भर गाता है। आप समस्त धर्म ग्रंथों के पन्ने पलटिए, वेद उपनिषद दर्शन संतवाणी कतेब पक्ष के जितने ग्रंथ हैं, चाहे तौरेत को लीजिए, अंजील जंबूर कुरान, कोई भी धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, परमात्मा की महिमा से भरे पड़े हैं। लेकिन जब प्रश्न किया जाता है कि जिसकी आप इतनी महिमा गा रहे हैं वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, क्या हम इस पंचभौतिक शरीर से उसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबको मौन होना पड़ता है। सभी न इति कहकर शांत हो जाते हैं, यही इतना ही कहते हैं कि उसको मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वो अलग है, अगोचर है, उसके बारे में हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। संसार का ज्ञान बस इतना ही होता है। लेकिन जागने की इस वेला में आज वह स्थिति नहीं है। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में विचरण कर सकते हैं, अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा को देख सकते हैं। सुंदर साथ जब कभी निराशा के भवन में डूबता है तो कहता है कि
हम इस माया के संसार में क्यों आए हैं। लेकिन आप जानते हैं, राजी ने एक बहुत बड़ा सुनहला अवसर दिया है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इथे जो रोसो करो विचार। अनादिकाल से परम धाम में स्वलीला अद्वैत की लीला चलती रही है, लेकिन उस स्वलीला अद्वैत के हृदय के स्वरूप को किसी ने मापा नहीं था। नमक कठेला जब सागर में डूबकर सागर की गहनाई को नापने का प्रयास करता है तो सागर में गलकर विलीन हो जाता है। उसी तरह से पांचवी भूमिका में मार्फत की लीला हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन मार्फत में तो स्वयं के अस्तित्व का पता ही नहीं होता, तो कैसे उसका रस मिल सके। सागर के किनारे खड़े होकर सागर की लहरों को देखा जा सकता है। सागर के ऐश्वर्य को तब हम जानेंगे जब सागर के बाहर खड़े हो जाएं। अक्षरातीत ने हमें माया में भेजा है और इसके साथ सबसे बड़ी जो कृपा की कि अपने हृदय का बहता हुआ रस तारतम वाणी के रूप में दे दिया है। ये वाणी कोई ग्रंथ नहीं है, ये वाणी क्या है? ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अक्षरातीत से हृदय से बहता हुआ जो ज्ञान का रस है, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान सत्य को दर्शाएगा और प्रेम उस सत्य को प्राप्त कराएगा, दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। ज्ञान के बिना प्रेम का अस्तित्व नहीं और प्रेम के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं। संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, योगी अवतार हो गए, तीर्थंकर हो गए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, मन को जीता, शरीर को हड्डियों का ढांचा बना लिया, लेकिन परमधाम का ज्ञान न होने से उनकी साधना निष्फल रही। या तो उन्होंने निराकार का ज्ञान प्राप्त किया, निराकार का अनुभव किया, या बहुत हुआ तो बेहद में अव्याकृत या सबलिक तक अपनी पहुंच बनाई। इसके परे केवल है, सत्स्वरूप है, और उसके परे अक्षर है, अक्षरातीत है। इसके बारे में सबको मौन ही रहना पड़ा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि स्वयं अक्षरातीत के चरण कमल पड़ते हैं महामती जी के धाम हृदय में, और उन्होंने सबके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसकी खबर हम सब सुंदर साथ को भी नहीं है। आज की चर्चा उसी विषय पर है कि हमारे अर्श दिल में क्या क्या है। हक इलम जित पहुंचा तित अर्श हुआ दिल हक, जिसके हृदय में खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का ज्ञान पहुंच गया, अब वह हृदय एक प्राणेश्वर अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने हृदय में नहीं बसा सकता। ज्ञान दृष्टि से उसका हृदय अर्श की संजय प्राप्त कर लेता है। जब उसमें प्रेम की परिपक्व धारा बहती है, प्रेम की अखंड धारा बहने पर परिणाम यह होता है कि उस हृदय में अक्षरातीत की शोभा बस जाती है, और इसी को कहते हैं जागनी। जब शोभा बस गई तो परिणाम क्या हुआ, उस दिल को अर्श कहा जाता है। इन मायनों ये दिल अर्श हुआ, महामती जी की आत्मा कह रही है। तो अर्श कहिया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक, तो इत जुतागी कहाँ रही जहाँ हके आए मुतलक। आप किसी से पूछिए, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, वेद का विद्वान हो, उपनिषद का, दर्शन का, कुरान का, बाइबल का, क्या आपने परमात्मा को देखा है? वो मौन हो जाएगा। व्याख्यान बहुत दे सकता है, कई कई दिन तक व्याख्यान दे सकता है, लेकिन पूछा जाए अनुभूति के धरातल पर आप कहाँ तक पहुँचे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ये किया करते थे, देखते थे कि कोई आंख बंद कर महात्मा ध्यान कर रहा है तो उसको हिलाने पहुंच जाते थे, क्योंकि नटखट थे। पूछते थे कि क्या श्रीमान जी आप क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ध्यान कर रहा था, क्या तुमने देखा है? इस पर मौन हो जाना पड़ता था। केवल रामकृष्ण परमहंस निकले जिन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है और तुम भी देख सकते हो। भले ही रामकृष्ण परमहंस ने अव्याकृत के प्रतिबिंबित स्वरूप आदिनारायण का साक्षात्कार किया हो, लेकिन कोई दावे से तो कह सका कि हाँ मैं परमात्मा को देख सकता हूँ। आज तारतम ज्ञान का प्रकाश है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में आप हद से लेकर परम धाम तक के साक्षात्कार का अवसर आपके लिए उपलब्ध है, और यही नहीं, आप सारे संसार को भी उस मार्ग पर ले चल सकते हैं। आज सारे संसार को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यदि वो तारतम वाणी का अनुशीलन करेगा, तारतम वाणी के अनुसार
अक्षरातीत के युगल स्वरूप का ध्यान करेगा, स्वयं के हृदय को समर्पित कर देगा, यदि उसकी भाषा प्रेम की हो जाती है, श्रृंगार विरह का हो जाता है, आस्था का केंद्र केवल अक्षरातीत होता है, समर्पण की भट्टी में स्वयं को जला देता है, तो निश्चित है कि उसका दिल अर्श कहलाएगा। अर्शतन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट को चुनाए। अर्शतन दिल में ए दिल, हमारी आत्मा का जो दिल है वो परात्मा के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परात्मा का दिल ही तो यहां आत्मा के रूप में माया के खेल को देख रहा है। और इस मायावी जगत में जहां हर प्राणी आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, जब तक इस सृष्टि में परम धाम का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था, तब तक सारा संसार क्या मानता था? क्षर को ही अक्षरातीत माने बैठा था। आदि नारायण को ही सारा संसार अक्षर भी कहता है, पुरुषोत्तम भी कहता रहा है, लेकिन यह नहीं जान पाया कि ये तो क्षर है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हक नजीक से रख से अड़ो पटन द्वार। अक्षरातीत कहाँ है? हमारे प्राण की नली से भी निकट है। संसार को यह बोध नहीं था। संसार, आप देखिए, सभी तीर्थ स्थानों में जाइए, लोग भटक रहे हैं, किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। जो पौराणिक हिंदू हैं वो सोचते हैं कि हम चारों धाम की यात्रा कर लेंगे तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। सुंदर साध्वी जिसने सागर श्रृंगार की गहराइयों में गोता नहीं लगाया, वो भी भटकता है कि राज्य अमुक स्थान पर मिल सकते हैं, लेकिन वाणी पुकार पुकार कर क्या कहती है? मैं हक कर्ष में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक काए दिल अर्श चेतन। सारी वाणी का सार का क्या है? हक काए दिल अर्श चेतन, राज्य कहाँ मिलेंगे? हमारी आत्मा के धाम हृदय में। वैसे लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने उद्घोष किया था, यो आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर है किंतु आत्मा को उसका बोध नहीं होता। तारतम ज्ञान के प्रकाश में उपनिषदों के इन्हीं यही कथन आज उद्धृत हो रहे हैं। सामवेद के पहले मंत्र में जरूर कहा, अग्ने यो आयवेति, हे परमात्मा तू मेरे हृदय मंदिर में आ जा। कहा तो गया, लेकिन इसको चरितार्थ कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि अक्षरातीत का ज्ञान ही नहीं था। ऋषियों ने बड़ी बड़ी समाधियां लगाई, निर्विज समाधि तक पहुंचे, लेकिन अनुभूति का धरातल कहाँ रहा? वही निराकार या बोध हुआ तो प्रणव ओंकार जो आदि नारायण का स्वरूप है, अखंड जो प्रणव का स्वरूप है अव्याकृत, उस तक कोई कोई बिरला पहुंचा, अक्षर की पंचवासनाएं पहुंचे। आज हमसे भाग्यशाली और कौन होगा कि राज्य ने अपने हृदय का बहता हुआ रस खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार के रूप में दे दिया है, जिसको क्या कहते हैं? तारतम का तारतम। और यही तारतम का तारतम प्रेम संवाद का, इस गर्वत का निर्णय करेगा कौन आशिक है कौन मासूक है। महामती जी की आत्मा क्या कह रही हैं? तो इत जुदागी कहाँ रही जहाँ हके आए मुतलक। जब आपके हृदय मंदिर में अक्षरातीत के चरण कमल पड़ जाते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य हमसे अलग है? आप किसी से भी पूछिए, आप इतने सुंदर साथ बड़ी संख्या में बैठे हैं, मैं पूछूं कि राज्य को आपने देखा है, आप क्या कहेंगे? वाणी भी आप पढ़ेंगे, चितवनी भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, लेकिन आप दावे से तो नहीं कर सकते। आपके मन में संशय बनाए रहेगा कि क्या करें, राज्य हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। जो सबसे अधिक निकट है, प्राण की नली से भी निकट, उसको कतेब की भाषा में कहते हैं सहारक से नजीक। जो सबसे अधिक नजीक है दुनिया उसको दूर मानती है, और जो है ही नहीं उसको अपना मानती है। हमारे रक्त के जितने संबंध होते हैं, पति पत्नी का, भाई बहन का, पिता पुत्र का, ये कर्मों के फल से हमारे संबंधी बन जाते हैं, उनसे घनिष्ठता होती है तो क्या कहते हैं? ये हमारे सबसे निकट है। लेकिन तन की भी दूरी होती है, कहीं ना कहीं मन की भी दूरी होती है। जो हमारा प्राणेश्वर है, जो हृदयेश्वर है, जो अखिलेश्वर है, जो अनंत प्रेम आनंद सौंदर्य का सागर है, उसको हमने दूर बना रखा है, क्योंकि वो हमारे और उसके बीच में एक माया का पर्दा पड़ गया है। और इस पर्दे के बारे में तो एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि हम तो पूर्ण ब्रह्म थे यदि चाह न होती बीच,
परमधाम की आत्माओं को यदि माया का खेल देखने की इच्छा नहीं होती, उनकी सुरता इस खेल में नहीं आती, तो यदि मूल तन की दृष्टि देखा जाए तो उनका तन और धनी का तन एक ही है। ब्रह्मशिष्ट कही वेद ने ब्रह्म जैसी तत्वगत पर आत्म की नज़र से आप देखोगे अपने को तो क्या होगा? आपको लगेगा कि जो राज्य का दिल है वही समस्त परमधाम है। राज्य का दिल ही श्यामा जी है, श्यामा जी का दिल ही सखियाँ हैं, सखियों का दिल ही खूब खुशहालियाँ हैं, और खूब खुशहालियों का दिल ही जितने परमधाम के पशु पक्षी खिलौने जो सारी सामग्री क्या है, राज्य के दिल के ही स्वरूप में है। परमधाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है। मारिफत के दृष्टि से, हकीकत के दृष्टि में दिखाई देता है कि ये सखियाँ हैं, ये श्यामा जी हैं, ये 25 पक्षी हैं, ये पशु पक्षी हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? एक राज्य का दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। इस माया के ब्रह्मांड में क्या है? एक आदि नारायण है और उसका संकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन उसके ही दिल की लीला में समस्त सृष्टि दिखाई दे रही है। पशु पक्षी, ऋषि मुनि, देवी देवता, कीट पतंग क्या है? आदि नारायण के मन का विलास ही तो है। अंतर केवल इतना ही है कि परम धाम में नूर का सौंदर्य है, राज्य का सौंदर्य क्रीड़ा कर रहा है। कालमाया के ब्रह्मांड में सत्व रज तम का संसार है, माया का अंधकार है। जीवों के कर्म फल भोग हैं, कोई आत्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई धर्म की राह पर चल रहा है। सत्व रज तम के बंधनों में संसार के प्राणी भटके हुए हैं, इससे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे समुद्र में असंख्य पानी के बुलबुले उठते हैं और उसी में डूब जाया करते हैं, उसी तरह से इस माया के संसार में कोई किसी को नहीं जानता। हम इस जन्म से पहले कहाँ थे, कहाँ होंगे, अब इस समय कहाँ हैं, कल क्या होने वाला है, कौन जानता है? लेकिन परम धाम है, जहाँ के कणकण में प्रेम है, स्वलीला अद्वैत है, सत्चित आनंद की निरंतर क्रीड़ा हो रही है। यदि हम स्वयं को राज्य के चरणों में बैठा हुआ अनुभव करते हैं और वहाँ की नज़र से देखते हैं तो क्या लगेगा कि हमारा दिल और राज्य का दिल एक है। मोमिन असल तन अनस्वे उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। हमारा ये दिल क्या है? परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। हक सुपने में भी शंक है, सिफत ऐसी कई मोमिन की, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी शंक है। रूहे इनविद अरस परस, हम क्या हैं? अरस परस है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक आम का पका हुआ फल लेकर उसकी गुठली को हम बो देते हैं, एक पेड़ बन जाता है कुछ समय के बाद, और उस पर हजारों फल लग जाते हैं। पुनः हजारों फलों को आप बो देते हैं और न जाने कितने फल पैदा हो जाते हैं। एक एक गुठली एक एक वृक्ष का रूप ले लेती है। गुठली में वृक्ष छिपा हुआ है, छोटी सी गुठली में। पीपल के एक छोटे से बीज के अंदर पूरे पीपल का विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। उसी तरह से जो सखियों के तन दिखाई दे रहे हैं, मैंने तो माया के दृष्टांत से केवल समझाया भर है। परम धाम में कोई चीज़ पैदा नहीं होती। जैसे एक गुठली, आम की गुठली अपने अंदर आम के विशाल वृक्ष को, हजारों लाखों फलों को छिपाए रहती है, उसी तरह से परम धाम का एक एक कण राज्य का दिल है और राज्य के अनंत सौंदर्य को, अनंत प्रेम को, अनंत आनंद को अपने अंदर समेटे हुए है। जब माया के संसार में बैठे बैठे हम शरीर से परे हो जाएं, संसार से परे हो जाएं, अपनी आत्मा के दिल में परम धाम की शोभा को देखें, युगल स्वरूप की छवि को देखें, तो क्या होगा? हमारा दिल अर्श हुआ। ऐसी स्थिति में हम कहाँ से कह सकते हैं कि राज्य हमसे दूर है? राज्य हमको दूर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने मन में स्वयं मान लिया है कि राज्य हमसे दूर है। शरीयत की दीवारें हमको हकीकत और मार्फत में प्रवेश नहीं करने देती है। ये खेल ही बना है मार्फत का द्वार खोलने के लिए। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे कसम। यदि अब मार्फत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा? मार्फत के दरवाज़ा खोलने का तात्पर्य क्या है? बहता हुआ यह जल यह जान ले कि मैं घनीभूत रूप था कभी। बर्फ है, जमी हुई है, उसको क्या कहेंगे? घनीभूत मारिफत। जब बर्फ बहने लगे पिघल करके तो वह क्या हो गया?
हकीकत का स्वरूप द्रवीभूत अक्षरातीत का हृदय जो अपने अंदर अनंत परम धाम को समेटे हुए है और उसी हृदय का व्यक्त रूप हकीकत में कहलाएगा संपूर्ण परम धाम। सखियाँ श्यामा जी अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी 25 पक्ष ये कभी सभी क्या है हकीकत में है। मारिफत क्या है जो राज्य का दिल है। यदि हमने समझ लिया कि हम और राज्य दो ही है ही नहीं, ये तो माया एक स्वप्न है, हमको स्वप्न दिखाया गया है, लेकिन हमने स्वप्न को सच्चा समझ लिया है। जो हमारा है उस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी नज़र यहाँ के शरीर को देख रही है। ये तन तो चरकिन गंदगी से भरे हैं, इन शरीरों में क्या है, मलमूत्र भी है, हड्डियाँ हैं, मांस है। ये शरीर पैदा होता है, बच्चे के रूप में बलना शुरू होता है, युवा बनता है, विषय भोगों में फंसता है, फिर बुढ़ापे की तरह चल पड़ता है, 80-90 साल का होता होता लाठी लेकर चलने लगता है, जो कभी सुंदर लगता था अब कुरूप लगने लगता है, मृत्यु के समय असहनीय अवस्था हो जाती है, रोग ग्रसित शरीर बदबूदार होने लगता है और फिर पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है, उस शरीर को जला दिया जाता है। बस इतनी ही से तो कहानी है। लेकिन जिस दिन हम स्वयं को शरीर से परे कर लेंगे, अपनी आत्मिक दृष्टि को हद बेहद से परे परम धाम में ले जाएंगे, तो लगेगा कि मेरा स्वरूप तो वास्तविक मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठा हुआ है। उस तन में और राज्य में कोई अंतर नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। जब हम स्वयं को वहाँ की नज़र से देखेंगे तो लगेगा कि जो हमारा दिल है वह राज्य का ही दिल है। तभी वाणी कहती है ब्रह्म श्रेष्ठ कही वेद ने ब्रह्म जैसी तो दोगत, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। यहाँ की दृष्टि हम देखेंगे तो हमारे अपने अंदर दूसरों के अंदर केवल माया का विकार दिखाई देगा, इसलिए स्वयं के स्वरूप की पहचान नहीं होती है। हमसे पहले जो भी मनीषी जन हुए हैं सबने यही मार्ग अपनाया है कि स्वयं को शरीर से परे, इंद्रियों से परे, अंतःकरण से परे, पंचकोशों से परे अपने को देखने का प्रयास किया है। और तभी मदालसा जब अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी तो यही कहा करती थी कि मेरे बेटो तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम तो शुद्ध हो असी, बुद्ध हो असी, निरंजन हो असी, संसार माया परिवर्तित हो असी, तुम संसार की माया से अलग हो, ये हाथ पांव जो तुम्हारे दिख रहे हैं ये तुम नहीं हो, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं तुम्हारी लौकिक माता हूँ, तुम अपने स्वरूप को समझो कि तुम हो कौन। जब इस देश में ऐसी लोरियाँ सुनाई जाती थी, एक माँ अपने बच्चे को जो 6 माह का है ऐसी लोरी सुनाती थी तो इस देश में ब्रह्मज्ञानी पैदा होते रहते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, तारतम ज्ञान के प्रकाश के अभाव में सारा संसार भटक रहा है और हम सुंदर साथ यदि तारतम वाणी का अनुशीलन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीयत की इतनी मजबूत रस्सी से बंध जाते हैं जो रेशम की बनी होती है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई बिरला होता है जो शरीयत को छोड़कर कर्मकांडों की परिधि को छोड़कर तरीकत में प्रवेश करे, तरीकत से परे हटकर कोई हकीकत और मारिफत में हजारों में कोई एक चलने का इच्छुक होता है। निसंदेह जब वाणी के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, हर सुंदर साथ चितवनी की डगर पर चल पड़ेगा तो मुझे आशा है कि हकीकत और मारिफत जिसके लिए एक हुआ खड़ा कर दिया जाता है कि इसकी राह पर कोई चल ही नहीं सकता, जब तक आप अपने अंदर आत्मबल नहीं जागृत करेंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। रणजीत सिंह केवल एक हुए जिन्होंने पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की। आप सोचिए गुरु गोविंद सिंह से पहले क्या स्थिति थी, जो सिख होते थे डरते कांपते रहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने उनको एक मंत्र दिया कि देखो 125,000 से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, मैं 125,000 से अकेले को लड़ा दूंगा, वही शरीर है वही हाथ पांव है। जब मनोबल उनका बढ़ा तो एक एक सिख कई कई लोगों पर भारी पड़ने लगा। आप भी जब तक अपने को यहाँ की नज़र से देखेंगे आप संसार में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप स्वयं को क्या समझिए, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना आए तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के माए। आप कौन हैं आपने कभी सोचने का प्रयास किया, इस संसार की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ समानता कभी नहीं हो सकती,
कोई यहाँ धनवान मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा, कोई काला मिलेगा, कोई गोरा मिलेगा, कोई बुढ़ा मिलेगा, कोई युवा मिलेगा, कोई अच्छे आचरण वाला मिलेगा तो कोई बुरे आचरण वाला मिलेगा। ये तो सत्व रजतम का संसार है। आप इन सारे बंधनों से अपने को अलग कर लीजिए और एक नज़र ऊपर कीजिए तारतम ज्ञान के प्रकाश में, जहाँ मूल मिलावे में आपकी परात्म राज्य से नज़रें मिला करके बैठी हुई है। और वाणी यही कह रही है, यदि तुम परम धाम की नज़र से देखो तो एक पल के लिए भी न मैं परम धाम में तो अलग हो ही नहीं सकता, कहीं भी मैं तुमसे अलग नहीं रहा हूँ। 350 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन जब तक सुंदर साथ स्वयं को परात्म की नज़र से नहीं देखेगा, अपने और धनी के मूल संबंध को नहीं जान पाएगा। वाणी कहती है, सन्मंत मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न चाहे, मैं एक पल के चौथाई पल के लिए भी मूल के संबंध को नहीं छोड़ सकती। मूल का संबंध क्या है? हम शरीर नहीं हैं, संसार से हमारा केवल खेल देखने का संबंध है। लेकिन जब हम संसार को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमारा यह शरीर है, इस कुल गोत्र का है, यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारे संगे संबंधी हैं, तो हम परम धाम की वहदत से दूर हो जाते हैं। वाणी क्या कह रही है? ये क्यों होए बिना निस्बते, इति हुई वहदत निस्बत वहदत देके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। खिलवत किसको कहते हैं? जहां प्रिया और प्रियतम आशिक और मासूक के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो। इस चौपाई ने बहुत कुछ कह दिया है। ये क्यों होए बिना निस्बते, इति हुई वहदत निस्बत वहदत देके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जहां निस्बत है वहां वहदत है, जहां वहदत है वहां खिलवत है। लेकिन हमने निस्बत किससे जोड़ी है? संसार से। मूल संबंध का यदि हमें आभास हो जाए, और यह सौभाग्य मिलेगा तारतम ज्ञान के प्रकाश में, तारतम वाणी बताएगी कि वास्तव में हम है कौन। निस्बत से हमने संबंध जोड़ा, हमने अपनी नज़र मूल मिलावे की तरफ की, परम धाम में हमारी सुरता पहुंची, स्वयं को परात्म के तन का प्रतिबिंब पाया, तो क्या लगेगा? हम तो वही हैं जो मूल मिलावे में बैठे हैं। और तब हमें पता लगेगा कि राज्य हमारे प्राण की नली से भी कितने निकट है। निस्बत के संबंध से जब आत्मा चितवनी में डूबती है, विरह और प्रेम की सरिता में स्नान करती है, तो परिणाम क्या होता है? प्रीतम के नख से सिख तक की शोभा बस जाती है। और जब अक्षरातीत के चरण कमल पड़ जाते हैं, जहाँ अक्षरातीत हुए, तो उनके अक्षरातीत का संपूर्ण ऐश्वर्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में आ जाता है। उसमें वहदत की लज्जत आती है, उसमें खिलवत की लज्जत आती है। हम सोचते हैं जब हम परम धाम जाएंगे, शरीर छोड़ करके जाएंगे, तो हमें वहदत का रस मिलेगा, निस्बत का रस मिलेगा, खिलवत का रस मिलेगा। जब हमको ये सिखा दिया जाता है कि देखो भाई, तुम गृहस्थी हो, तुमको राज्य नहीं मिल सकते, तुम तो केवल माला फेर लो, पूजा पाठ कर लो, 5 चौपाई पढ़ लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, ये कार्य तो बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन जब 70 साल की उम्र में भी यही सब करना होता है, तो परिणाम क्या होता है? हमारा मनोबल गिरता जाता है। क्या हमने निस्बत की ताकत को पहचाना है? वाणी क्या कहती है? श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर। आप कौन है? देखिए, सामान्य सुंदर साथ राज्य से माया की चीजें मांगता है। कोई बहुत ज्ञानवान हो जाता है तो क्या मांगता है? कि राज्य हमें इल्म दे दीजिए, ईमान दे दीजिए। और आगे कदम बढ़ाता है तो क्या मांगता है? राज्य से राज्य का प्रेम मांगता है। वाणी क्या कहती है? श्री महामत कहे ए मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर। यदि आप निस्बत के स्वरूप हैं, तो इश्क का सागर कहाँ रहेगा? आपकी आत्मा के हृदय में। आप वहदत के स्वरूप हैं, परम धाम में राज्य का, श्यामा जी का, सखियों का, सबका प्रेम है, तभी तो वहदत है। यदि आपको अपने परात्म के स्वरूप का बोध हो गया, परात्म के स्वरूप में आप डूब गए, तो
तो राज्य के हृदय में जितना प्रेम रहेगा उतना ही प्रेम तो आपके अंदर भी रहेगा, तभी तो वैदत है। इसलिए वाणी कहती है ए निस्बत इश्क सागर, इतने वर्ष व्यतीत हो गए सुंदर साथ, इस चौपाई को कभी अंगीकार नहीं कर पाता कि ए निस्बत इश्क सागर का अर्थ क्या है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, हर सुंदर साथ मेर सागर का गोटा लेकर पढ़ता है और एक भिक्षुक की तरह, भिक्षुण की तरह भीख मांगता रहता है कि राजी हमारा बिजनेस चौपट हो गया है, बिजनेस पूरा कर दीजिए, हमारे बेटे को नौकरी नहीं लगी है, नौकरी दे दीजिए, हमारे घर बहू आ जाए। ये छोटी छोटी माया की चीज़ें मांगता रहता है, इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आपने कभी सोचा है मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर का दर। मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन अर्ज सागर, इसका क्या अर्थ करेंगे? राज्य के मेहर ने हमारे दिल को अर्ज कर दिया, दिल मोमिन मेहर सागर। और ब्रह्मात्मा का दिल क्या है? मेहर का सागर है। कभी आपने अपनी गरिमा का आभास किया है? यदि हमारा समाज इस एक चरण का अर्थ आज कर ले दिल मोमिन मेहर सागर, तो कहां से कहां पहुंचा है? सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे हक बांध के आप हंसी करे सोए। जब आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो ऐसे ही भिकमंगा बने रहेंगे, ऐसे ही मांगते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं है। वाणी क्यों अवतरित हुई है? वाणी तो अवतरित हुई है आपको मारिफत का ज्ञान देने के लिए, आपको वहदत की निस्बत की खिलवत की पहचान कराने के लिए। लेकिन आश्चर्य है 350 वर्ष बीत गए, परमहंसों ने केवल अनुभूत किया और उसको अपने दिल के कोने में छिपा दिया। लेकिन आज तो सौभाग्य है कि वाणी की विस्तृत व्याख्या हो चुकी है और आज मेरे जैसे सामान्य सुंदर साथ को भी ये कहने का साहस हो गया है कि निस्बत को जिसने पहचाना उसने वहदत की अनुभूति की, जिसने वहदत की अनुभूति की उसने खिलवत की अनुभूति की। और निस्बत क्या है? निस्बत हक की जात है, निस्बत में है इलम, निस्बत हक की जात है, निस्बत में है इश्क, निस्बत वास्ते इलम इतल्याय वेशक। निस्बत के कारण ही इल्म आया, निस्बत के कारण ही परम धाम के प्रेम की अनुभूति हुई और निस्बत के कारण ही अक्षरातीत के चरण कमल पड़े। यदि हम निस्बत को नहीं पहचानेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने मेहर सागर के गोटे पढ़ते पढ़ते अपने जीवन के 500 वर्ष व्यतीत कर दिए, कृपा करके वो इस चरण को भी पढ़ लिए कि मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर। ब्रह्मात्मा का हृदय ही मेहर का सागर है और जिस दिन हमें अनुभूति हो जाएगी कि हमारा दिल मेहर का सागर है, लेकिन ये केवल कहने से नहीं होगा। हम चौपैया रट लें और कह देंगे कि देखो हम तो निस्बत के स्वरूप हैं, हम हक के जात हैं, त्रिगुण तो केवल खिलौले हैं, तो ये तो केवल हवाई किले बहाने बनाना हो जाता है। सचमुच में यथार्थ में हमें शरीर न दिखे, संसार न दिखे, केवल परात्म दिखे, उस भावना में जो पहुंच जाएगा केवल उसको कहने का अधिकार है कि मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर। हमारे दिल में कौन है? राज्य। राज्य का स्वरूप हमारे दिल में बसा, उनके चरण कमल हमारे दिल में बसे, तो राज्य का संपूर्ण ऐश्वर्य किसका हो गया? हमारा हो गया। और जब तक सुंदर साथ इस मूल संबंध को नहीं समझेगा तब तक माया के अंधकार में तो वैसे ही भटकता रहेगा जैसे कीचड़ से सना हुआ हीरा कभी मूल्यवान नहीं हो सकता, उसका मूल्य एक पैसे के बराबर भी नहीं होता। उसी तरह से जब तक हमारी शारीरिक दृष्टि बनी रहेगी, शरीर पर नजर रहेगी, संसार पर नजर रहेगी, हमें परात्म का वह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। हमें स्वयं को जानने के लिए तारतम वाणी के सागर में गोता लगाना पड़ेगा। आज तक जो रूढ़िवादी परंपराएं चलती रहीं, जिसको सब कुछ माना जाता रहा, उन रूढ़िवादी परंपराओं से स्वयं को हमें अलग करना पड़ेगा। तारतम वाणी क्या कहती है? राज से क्यामत नामा तक की पुकार क्या है? एक केवल अक्षरातीत की पुकार है, ये मिहराज की पुकार नहीं है, महामती की पुकार नहीं है। स्वयं अक्षरातीत महा
कहने की शोभा कालभूत को दई। महामती जी की आत्मा कहती है कि मैंने तो इसका एक अक्षर भी नहीं कहा है। हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश। तारतम वाणी का प्रकाश कहाँ से आया है? ये नूर आगे थे आइया अक्षर ठोर के पार। ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। परम धाम से वाणी का प्रकाश आया है, अक्षरातीत के हृदय से वह प्रकाश महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हुआ। एक बूंद आती है और वो स्वयं सागर का रूप ले लेती है। उस सागर की एक एक लहर भी यदि हमारे हृदय में आ जाए, उस लहर की एक बूंद का यदि हम रस स्वसाधन कर लें, जैसे अभी मैंने कहा, केवल दो चौपाइयों को आप अंगीकार कर लीजिए कि मेरे दिल अर्ज़ किया दिल मोमिन सागर, और ये निस्बत इश्क सागर राज्य का निर्देश है श्री महामत कहे मोमिनों, ये निस्बत इश्क सागर लो प्याले हक हुक में पियो फुल भर भर। जिन्होंने निस्बत के स्वरूप को पहचाना उनके लिए संसार अलग हो जाता है। जब हम शरीर की नज़र से देखते हैं, जीव हमारे अंदर बैठा है, उसकी दृष्टि किस पर जाएगी? शरीर पर, क्योंकि वो मन चित्त बुद्धि अहंकार से ही तो कार्य करेगा, और अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से माया के सुखों को ले रहा है। इंद्रियां किसकी बनी है? माया की। अंतःकरण किसका है? माया का। हमारा जीव क्या है? नारायण की चेतना का प्रतिभास है, संकल्पिक चेतन है। प्रश्न यह है, जो आदि नारायण स्वयं को इस मोह सागर में भुला हुआ है, उसके प्रतिबिंब स्वरूप जो प्राणी हैं, चाहे कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लें, कितनी भी साधना कर लें, जब तक उनको परम धाम के एक ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, परम धाम से अपना मूल संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक वे अपने हृदय में निस्बत का सुख, वहदत का सुख, खिलवत के सुख की अनुभूति कैसे करेंगे? और जब हम भी उनकी ही लार पकड़ लेते हैं, उनके ही मार्ग पर चलने लगते हैं, उन्हीं की तरह कर्मकांडों के पीछे अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, तो वाणी तो कहेगी कि हमने श्याबाश तुम्हारी अरवाहों को, श्याबाश तुम्हारी हृदय सखत, श्याबाश तुम्हारी बेसकी, श्याबाश तुम्हारी निस्बत। इतने व्यंगात्मक शब्द राज जी ने कहे हैं, तुमने श्याबाश तुम्हारी निस्बत, मैंने निस्बत का प्रकरण ही तुम्हारे लिए उतार दिया, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा श्रृंगार, सुंदर साध का श्रृंगार अवतरित कर दिया सागर ग्रंथ में, फिर भी तुमने ये नहीं समझा कि अपने स्वरूप का चिंतन श्यामा जी के स्वरूप से करो। हमने इस मिट्टी के पुतले को अपना स्वरूप माना है। जीव तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जब स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परात्म के भाव में भावित होता है, तो उस प्रेम के बल पर वो सत्स्वरूप की पहली भेष में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि परम धाम की आत्मा जीव पर बैठकर स्वयं को भूल जाती है, जीव भाव को प्राप्त हो जाती है और जीव शरीर भाव को प्राप्त हो जाता है, तो बताइए इस अवस्था में क्या होगा? हमारी यही गति है। हमें तारतम लिए हुए न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। कई पीढ़ियों से हम सुंदर साथ कहलाते हैं, लेकिन तारतम वाणी के ये अलौकिक ज्ञान की बातें हमारे हृदय पटल पर अंकित नहीं होती। परिणाम यह होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जाती है, हमारे हृदय में परम धाम का रस नहीं आता। यदि यह बात सामान्य रूप से कहा जाए कि हम इसी संसार में वहदत का रस ले सकते हैं, निस्बत का रस ले सकते हैं, खिलवत का रस ले सकते हैं, तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था कि जैसे एक आम की गुठली में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, उसी तरह से जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो हमारे दिल में परम धाम का संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। खिलवत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई आती है कि मारिया कहिया। ये चौपाई मैं स्वाभाविक रूप से अधिकतर बार उद्धृत करता हूँ। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा। मैं खुद ही को मारना, उसको निकाल देना, और निकालने के भाव से भी अलग हो जाना, क्योंकि आपके मन में यदि चिंतन चलता रहता है कि मैंने अपनी मैं खुद ही को निकाल दिया है, तो वो भी एक प्रकार का अहंकार है, उससे भी अलग हो जाइए। आप अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए तो परिणाम क्या होगा? यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहेगा खुदा। जो उस अवस्था में आ जाएगा उसका स्वरूप किसका स्वरूप हो जाएगा? जिसने इस खेल में भेजा है।
खुद ही को मिटाकर खुद खुदा बना जा सकता है, लेकिन संसार ऐसा कर नहीं सकता। इन मैं में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावे जाको मुतलक बख्शीश होए। देखिए सकुमार सोचती है कि मैं तो औरंगजेब बादशाह हूँ, मैं क्यों श्री जी के पास जाऊँ। बिहारी जी के अंदर रतन भाई की आत्मा है, वो सोचती है कि मैं तो गुरु पुत्र हूँ, मीराज के सामने मैं क्यों नतमस्तक हूँ। लेकिन जिन्होंने लाल दास जी को देखिए, भीम भाई को देखिए, चिंतामणि को देखिए, जिन्होंने श्री जी पर स्वयं को निछावर किया, इन्होंने यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखा। ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ कि चिंतामणि ने अपने आचार्यत्व का अहंग छोड़ा, लालदास जी ने अपने लौकिक ऐश्वर्य का अहंकार छोड़ा, भीम भाई ने अपनी विद्वता का अहंकार छोड़ा, स्वयं को श्री जी के चरणों में समर्पित किया, घर घर जाकर भिक्षा मांगी मंदसौर में। अपने अहंग को डुबोने का परिणाम क्या हुआ, प्रेम विरह की ज्वाला में धधक कर उन्होंने स्वयं को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, परिणाम उनका दिल भी धनिकार हुआ। तभी बंगला जी दरबार में एक बार श्री जी ने पूछा कि बताओ लालदास जी, हौज कोसर की पाल ठोस है कि पोली है। धरती पर उन्हें गुस्सा मारा, बम की आवाज आई और कहा कि श्री जी हौज कोसर की पाल पोली है। कितना आत्मविश्वास है, यहीं बैठे बैठे गुस्सा मार कर भी ब्रह्मुनि बता सकते हैं कि परम धाम में कैसा है। आप भी तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, आप निराशा के भंवर में क्यों डूबे जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप भी लालदास जी के पद चिन्हों पर चलकर यदि आपने उस कसौटी पर आपने अपने को खड़ा कर लिया, आप अपने अंदर अहंकार मत लीजिए किसी चीज का कि मैं लालदास बन गया हूं, मैं छत्रसाल बन गया हूं, मैं भीम भाई बन गया हूं, क्योंकि अहंकार पतन का कारण है। और स्वयं को मिटा देना अपने प्राणेश्वर को जीत लेने का आधार है। आपने कल चर्चा चुनी थी, मारा वश की दल वाला रे मुसुअल का केम करिता सो। जब तक आप स्वयं को मिटाएंगे नहीं, राज्य के प्रेम पाने का अधिकार मिलेगा नहीं। जब तक राज्य का प्रेम नहीं, तब तक आप कटोरा लेकर भीख मांगते रहिए। लेकिन आपने जब अपना हृदय ही दे दिया तो किसको जीत लिया, अपने आराध्य को जीत लिया। एक राजा था, उसने अपने महल का सारा धन एक जगह पर रख दिया और मुनादी फिरा दी कि जिसको जो इच्छा हो ले जाए। राजा अपना सिंहासन लगाकर कोने में चुपचाप बैठकर देखने लगता है, देख रहा है कि कोई आ रहा है, कोई हार लेकर भागा जा रहा है, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई कुछ हार, कोई कुछ हार। सारी प्रजा की नजर किस पर थी, वहां की संपदा पर थी। राजा सोच रहा है कि मेरी संपदा को लूटने के लिए तो सभी आ रहे हैं, किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है कि महाराज भी बैठे हैं, उनसे दो बात भी कर ले। एक बुढ़िया आती है, राजा का हाथ पकड़ कर कहती है बेटे चल मेरे साथ। अब राजा जब बेटा हो गया तो बेटे का धन का की मालकिन कौन हो गई, वो बुढ़िया। बुढ़िया ने राजा के धन की तरफ नहीं देखा, राजा की तरफ देखा और उसको अपना बेटा बना लेती है। उसी तरह से वाणी क्या कहती है, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलंकुर। सुंदर साथ राज्य से मेहर सागर का गोटा पढ़कर संसार की चीज़ें मांगेगा तो वही मिलेगी, लेकिन राज्य से राज्य को साक्षात मांगिए। इंद्रावती जी ने क्या कहा है, जिहाँ हूँ तहाँ तमे आओ, मैं जहाँ हूँ वहाँ चले आओ, हूँ तो ए वी नहीं रे सुहाली जे तमे बचनीय बहासो। मैं इतनी सीधी नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी बातों के जाल में बहका लोगे। लेकिन यह अधिकार कब होगा, जब सुंदर साथ प्रेम की डगर पर चलना सीखेगा। अटूट ईमान, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, निश्चल उस प्रेम के द्वारा हमारी आत्मा जब अपने प्राणेश्वर को हृदय में बसाएगी तो हमारे वह जागनी का एक प्रकाश फैलेगा। और राज जी इसीलिए कह रहे हैं कि जिस क्षण हम सुंदर साथ चितवनी की राह पर चलेंगे, माया का संसार हटता जाएगा। जो जो अर्श होवे नजीक, त्यों तो खेल होवे दूर। जैसे जैसे हमारे हृदय में धनी की शोभा बसती जाएगी, वैसे वैसे माया हटती जाएगी। हमारे हृदय में नख से सिख तक जिस दिन राज्य की शोभा बस जाएगी, उस दिन वह हमारी पूर्णतः जागृति हो जाएगी।
100 दिन के कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया गया कि सुंदर साथ में एक चेतना जगे। इस जागने के प्रवाह में तीन मुख्य बिंदु थे, प्राणनाथ जी की वाणी, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान, और तीसरा है चितवनी की महिमा। चितवनी प्राणनाथ की पहचान और वाणी की महिमा को दर्शाना, क्योंकि ये वाणी क्या है, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस जो इल्म के सागर का है, वही तारतम वाणी के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। और वाणी किस लिए आई है, खेचे सबों को ये वाणी, माया से हमें निकालने के लिए वाणी आई है। इस वाणी के एक एक शब्दों में 18,758 चौपाइयों में अक्षरातीत की पुकार है। आप सोचिए, वृंदावन में एक बार बांसुरी की आवाज बजती है, सखियों को ऐसा लगता है कि राजी हमें पुकार रहे हैं, तो सबने 36,000 ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन कितनी हंसी की लीला हो रही है कि लगभग 350 वर्षों से तारतम वाणी की बांसुरी बज रही है। 36,000 तो क्या, 36 भी नहीं, तीन भी ऐसे नहीं निकले जिन्होंने शरीर छोड़ा हो। शरीर छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उस समय तो शरीर छोड़ने पर प्रीतम से मिलन हुआ, वो भी बेहद मंडल में। राज जी कहते हैं केवल एक काम कर लो, मन से मर जाओ, पहले पी तो शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, मुए पीछे हो मुकाबिल तो मजकूर कर खिलवत। मन से मरने का तात्पर्य क्या है, आप मन से संसारिक तृष्णाओं के पीछे मत भागिए। ये तृष्णाएं कभी भी मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। शब्द स्पर्श स्वरूप रस गंध का सेवन करते करते संसार न जाने करोड़ों वर्ष गंवा चुका, किसी को शांति नहीं मिली। इसलिए तो मनुष्यों ने क्या कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भोगता वयमेव भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग डाला है। संसार के किसी भी भोग में शांति नहीं है। भोगात न राग शांति मुनिवत, सौभरी ऋषि ने एक तो नहीं कई दर्जन शादियां के विवाह किए, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उन्होंने देखा कि यह तो क्या हो रहा है, मेरा इतना बड़ा परिवार खड़ा हो गया लेकिन मेरी तो तृष्णा ही शांत नहीं हो रही है। अंत में उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि जिस तरह से अग्नि में घी डालने पर अग्नि की लपटें और तेज होती जाती हैं, संसार के विषयों का जितना सेवन करेंगे इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। वाणी हमें एक ही बात सरल तरीके से बता रही है कि इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। लेकिन यदि आपको तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, जिनकी आँखों ने राज्य के प्रेम भरे नेत्रों को देखा है, मुखार विंद को देखा है, उनकी नज़र संसार में क्यों पड़ेगी। जिन देख्या हक है एड़ा, सो फेरे नजर तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। यदि हम इस चौपाई को अंगीकार कर लें तो हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा कि चितवनी के बिना हमारा जितना समय गुजरा है वो निरर्थक ही गुजरा है। यदि इस आकाश की शोभा सूर्य से है, रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, उसी तरह से जागने की इस लीला में चितवनी से ही हमारी शोभा है, तारतम ज्ञान से ही हमारी शोभा है। घर घर वाणी होनी चाहिए, घर घर वाणी का चिंतन होना चाहिए, हर सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसनी चाहिए। आप ऐसा करके न तो किसी पर एहसान कर रहे हैं न कुछ और कर रहे हैं, राज्य आपके हैं, उनका उनको पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अनादि अधिकार है, और इस अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। लेकिन इस अधिकार के प्रति आप जागरूक तो तभी होंगे जब तारतम वाणी के प्रकाश में जाएंगे। देश के अधिकतर भागों में सुंदर साथ ये डरते रहते हैं कि यदि हम घर पर वाणी पधरा लेंगे तो उसकी सेवा पूजा कौन करेगा। आप डरिए नहीं, हमारी सेवा पूजा मानसिक है। आप कहीं घर से दूर भी बैठे हैं, 500 किलोमीटर दूर हैं, तो भावों में डूब जाइए, भावों से ही भोग लगा लीजिए, भावों से ही आरती कर लीजिए, लेकिन घर पर वाणी पधराइए। आज तो 133 भाषाओं में वाणी की टीका हो चुकी है। संसार में आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी एक ग्रंथ को 133 भाषाओं में अनुवादित किया गया हो।
एक भाषा में तो अनेक विद्वानों के अनुवाद मिल सकते हैं, जैसे गीता की 100 के लगभग टीकाएं हिंदी में मिल सकती हैं, लेकिन 133 भाषाओं में न गीता की टीका हुई है, न कुरान की, न बाइबल की, न वेद की, किसी भी ग्रंथ की टीका नहीं हुई है। आज हमारी ब्रह्मवाणी 133 भाषाओं में अनुवादित है व्याख्या के साथ, 70 भाषाओं में ज्ञानपीठ की वेबसाइट से आप उसको सुन सकते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो अपने कानों से वाणी की पूरी व्याख्या सुन सकते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य और कहाँ से हो सकता है। इसलिए यदि वाणी के ज्ञान के प्रकाश की उज्ज्वल आभा में यदि हम स्वयं को आप जागृत नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए वाणी कहती है, जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के पार। मुर्दार होने का तात्पर्य क्या है? मन से सारी चाहनाओं को मिटा देना, वे चाहनाएँ जो हमें माया में डुबोती रही है। न जाने हमारा जीव लाखों जन्मों से इसमें भटकता रहा है। और इससे शांति का मार्ग क्या है? हम वाणी का चिंतन करें, चितवनी के प्रवाह में डूबें। और यदि हमने अपने दिल को अर्श बना लिया तो आगे की चौपाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है, इत ही हक मेहरबान की। राज्य की मेहर क्या है? आप मेहर के सागर को अपने दिल में क्यों नहीं बसा लेते हैं? मेहर का सागर राज्य का स्वरूप है। राज्य का स्वरूप आपके हृदय में बसेगा तो आप भी मेहर के सागर बन जाएंगे। इथी हक मेहरबान की, इथी हुक्म इलम। चार निधियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इल्म, जोश, हुक्म, सहूर, मेहर। मेहर, इलम, जोश, हुक्म में हक देखिए बेशक राज्य का। इसको मेहर हो, जोश हो, हुक्म हो। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा। जब राज्य से आप प्रेम करेंगे शरीर को भूलकर, संसार को भूलकर, तो आप एक कदम बढ़ाएंगे तो राज्य हजार कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूँ मुझे साथ, 10 बार जी जी करूँ, कर कर तुमको याद। ऐसा तो संसार में कोई नहीं करेगा, न पत्नी करेगी, न बच्चे करेंगे। अरे आप 50,000 रुपये पर कोई नौकर भी रखेंगे तो भी आप एक गिलास पानी मांगेंगे तो 10 बार जी जी वो भी नहीं करेगा। करेगा भी तो ऊपरी मन से करेगा। अक्षरातीत क्या कहते हैं? मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मुझे साथ, मुझे एक बार पुकारो, तुम्हारे आगे मैं 10 बार जी जी करता हूँ। ऐसे प्राणेश्वर अक्षरातीत को यदि हम अपना हृदय नहीं देते हैं, वो हमारा क्या है? वो हमारा मालिक नहीं है, हमारा हृदयेश्वर है। मालिक तो दासत्व भावना में होता है। हमारा हृदय है ही नहीं, हमारा हृदय उसका हृदय है, और उसके हृदय का स्वामी तो वो स्वयं है। हम कुछ है ही नहीं। आप जिस दिन अपने अहं का परिमार्जन कर देंगे, केवल तू की भाषा रख लेंगे और मैं की भावना क्या समझेंगे। इस 100 दिन के कार्यक्रम में अहमदाबाद में एक चर्चा हुई थी, जिसमें पहले तो मैंने हमेशा कहा है कि केवल तू की भावना रखी है, लेकिन इस तू की भावना से भी एक बड़ी चीज़ है जो मैंने उस दिन कही थी, आज भी उसकी स्मृति करा देता हूँ। तू को आप मैं में परिवर्तित कर लीजिए। एक तो भाव होता है कि केवल तू है, तो उसमें रह जाता है कि नहीं ठीक है, अपने अहं को विसर्जित करने के लिए हमने तू का भाव लिख लिया। लेकिन जिस दिन हम ये सोचेंगे कि मैं और तू दो है ही नहीं, तू का ही एक रूप है मैं, और मैं का ही रूप है तू, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, हम अरस परस हैं हक के, हक हम में, हम हक में, और हक बिना सब ख्वाब। जिस दिन परम धाम की मार्फत के दृश्य हम स्वयं को देखेंगे कि हमारा दिल राज्य का दिल, राज्य का दिल हमारा दिल, परिणाम क्या होगा? हमें संसार की माया कुछ नहीं कर पाएगी। इस संसार में हमें धन का अहंकार हो सकता है, रूप का अहंकार हो सकता है, विद्या का, पद प्रतिष्ठा का, ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार हो सकता है, लेकिन जिस क्षण परात्म की भावना आएगी आपका सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं मरना। राजी ने क्या कहा है? पहले पी तो शरबत मौत का, करते किक मुकर्रर। यदि हमने अपनी मैं खुदी को छोड़ दिया तो परिणाम क्या होगा? यही बैठे बैठे हमें वहदत
का रस मिलेगा, खिलवत का रस मिलेगा, निस्बत का रस मिलेगा, 25 पक्षों की शोभा हमारी आत्मा के धाम हृदय में नजर आएगी। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, केवल एक कार्य है जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ सुंदर साथ, चाहे सब कुछ नुकसान हो रहा हो, आप एक बहाना कर लेते हैं कि अभी काम का बोझ है, अभी चितवनी के लिए समय नहीं, वाणी के चिंतन के लिए समय नहीं, तो समय कब मिलेगा? या तो मेरी मेरी करे तो दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। जिस दिन हजारों हजारों सुंदर साथ एक साथ बैठकर चितवनी करने लगेंगे, जिस दिन हजारों सुंदर साथ वाणी के चिंतन में डूब जाएंगे, उस दिन हमारे समाज का इतिहास कुछ और होगा और जागनी का प्रवाह तभी चलेगा। अब वो समय नहीं रह गया है बैलगाड़ी से चलने का, अब वो समय नहीं रह गया है कि आपने 5 चौपाइयाँ पढ़ ली, एक माला कर लिया, कुछ पूजा पाठ कर लिया, जल्दी से जल्दी ऑफिस जाना है, ये काम करना है। आप रात को सोते समय जब अपने हृदयेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा लेते हैं तो इन आँखों को मत खोलिए। जब सवेरे उठते हैं तो किसी को देखने से पहले अपने बिस्तर पर ही आंखें बंद करके उसको अपने हृदय में बसा लीजिए, फिर देखिए आपकी आत्मिक प्रगति कितनी होती है। रात्रि में सपने भी आएंगे तो केवल रांचि के आएंगे, आपका पूरा दिन एक प्रेम की अजीब मस्ती में गुजरेगा। लेकिन यदि आप शरीयत के बंधनों में बंधे रहेंगे तो एक औपचारिकता पूरी करते रहेंगे, और औपचारिकता में और यथार्थता में बहुत अंतर होता है। आप अपना दिल राज्य को दीजिए, आपका दिल है ही नहीं ये सोच लीजिए। जीव को इस दिल पर शासन करने का अधिकार नहीं है, जील तो आदिनारायण की चेतना का प्रतिभास है। और आपकी आत्मा का दिल क्या है? अक्षरातीत के दिल स्वरूप जो परात्म के तन है उनका प्रतिबिंब है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कुछ ना है। अरस्तन दिल में ए दिल, परात्म के दिल में आपकी आत्मा का दिल है। आपकी आत्मा का दिल इस जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। आप तारतम वाणी का प्रकाश लेकर अपनी सुरता को परम धाम में ले चलिए, फिर देखिए आपके हृदय में आनंद का सागर क्रीड़ा करेगा। आप रोएंगे नहीं, बिलखेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके हृदय में कौन हमेशा बैठा हुआ मिलेगा? युगल स्वरूप समस्त परम धाम, परम धाम की वैद्यत का सुख, निस्बत का सुख, खिलवत का सुख यहीं बैठे बैठे मिलेगा। हर सुंदर साथ के हृदय में हुक्म इलम जोश सहूर सब कुछ क्रीड़ा करेगा। अब आप गोटे लेकर के भीख नहीं मांगेंगे, नारियल नहीं चढ़ाएंगे कि हे राजी हमारी मन्नत पूरी कर दीजिए तो अगले एक बार और नारियल चढ़ा दूंगा। आप पाठों के पीछे नहीं पड़ेंगे कि एक पाठ मैंने रखा है, दूसरा पाठ भी तब रखूंगा, इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। आपका प्राणेश्वर अपने रोम रोम में आपको बसाए रखता है, कभी आपने सोचा है? वाणी क्या कहती है? रोम रोम में रम रहे या पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक अंग। अक्षरातीत कह रहे हैं कि मैं कौन हूं आशिक, असल अर्ज के बीच में हक्का नाम आशिक, जो आशिक है वो कह रहा है कि मेरे रोम रोम में तुम हो। हके मासूक कहया तो भी न समझे। परमधाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए अक्षरातीत कर रहे हैं कि रूहो मेरे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई बीत के इस अंग उपजाऊं। तुम मेरे मासूक हो, तुम मेरी प्रीतमा हो, मैं तुम्हारा प्राणेश्वर हूं, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, तुम मेरी हृदयेश्वरी हो, और हम दास बन करके बैठ जाते हैं। केवल कर्मकांडों की दीवारों से अपना सिर फोड़ते रहेंगे तो आपकी आत्मा में जागनी का प्रकाश नहीं आएगा। आप अक्षरातीत के अर्धांग हैं, अपनी गरिमा को समझिए, अपने परमधाम के मूल संबंध को समझिए, और 100 दिवसीय जागनी यात्रा के आखिरी दिन, वैसे तो आज 105वां कार्यक्रम है, मैं देश विदेश में बैठे हुए और यहाँ सब सुंदर साथ से निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन का प्रण बनाइए प्रतिदिन ब्रह्मवाणी के चिंतन का, प्रतिदिन युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसाने का, क्योंकि वह आपके सबसे अधिक निकट है, सबसे अधिक आपसे प्रेम करता है, अपने हृदय में आपको बसाए रखता है, आप ही उसको किनारे किए रहते हैं। संसार के रिश्तों को आप पहली प्राथमिकता देते हैं, राज्य से किनारा कर लेते हैं, आप उससे प्रेम कीजिए, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
आप संसार को मुक्ति देने आए हैं, मुक्ति मांगने के लिए आप नहीं आए हैं। वाणी क्या कहती है, मुक्त देसी सबन को आए ब्रह्म आत्म सत। ब्रह्मात्माओं के चरण कमल पड़ने से तो इस ब्रह्मांड को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये हद से परे होकर, निराकार से परे होकर बेहद की लीला का सुख भोगेगा। इसलिए अपने को शरीर भाव से न देखिए, परात्म की भावना से भावित होकर राज्य के प्रेम में खोइए। सब सुंदर साथी, यही मेरा निवेदन है और मैं आशा करूँगा कि वाणी की लहर पूरे देश में गूंजे। सारे संसार को वाणी के प्रकाश से भर दीजिए। यह संसार बाट देख रहा है कि कब हमें परम धाम का ज्ञान मिले। अक्षर की आत्मा जब इस परम धाम के ज्ञान के लिए बाट देख रही थी विक्रम संवत 1735 तक, तो उनके स्वप्न में बने हुए ब्रह्मांड के प्राणियों की स्थिति क्या होगी। संसार तो तरस रहा है तारतम वाणी के प्रकाश के लिए। यदि आप केवल कर्मकांड तक सीमित हो जाएंगे, मंदिरों में केवल स्वर्ण कलश के और स्वर्ण सिंहासन पर ही ध्यान रहेगा, वाणी का प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा। हर हृदय को मंदिर बनाइए, हर हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसाइए और सारे संसार के लिए परम धाम के ज्ञान को फैलाइए। आप एक झूठा छोटा मोटा संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आए। ये तो गत संसार की जो खेचा खेच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत। हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश है और उस प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं हम। कोई धर्म या संप्रदाय चलाने के लिए नहीं है। सारा ब्रह्मांड हमारा है और सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए वाणी उतरी है, परम धाम की आत्माएं उतरी हैं, अक्षरातीत के चरण कमल उतरे हैं। हम एक छोटा सा संप्रदाय बनाकर, संप्रदाय की पद्धतियां बनाकर हमने अपनी गरिमा स्वयं ही खोई है। हम शरीर से अपने को देखते हैं इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा परात्म के भाव में भावित होइए, परात्म का श्रृंगार कीजिए, परात्म की शक्ति से स्वयं को पहचानिए। उस दिन सारा संसार आपका यशो गान करेगा। मैं आशा करता हूँ कि समय सुंदर साथ मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। और इसके साथ ही एक और बात कहता हूँ कि आगामी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में वार्षिकोत्सव होगा। उसमें 133 भाषाओं में वाणी और बीतक की टीका सबके दर्शन के लिए रखी जाएगी। मैं आशा करूंगा कि समस्त देश विदेश से सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करेंगे। प्रणाम जी।